दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। स्वाइन फ्लू ने एक बार फिर से भारत में अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इस जानलेवा वायरस का शिकार हुई है देश की राजधानी दिल्ली की एक 51 वर्षीय महिला। मृतका को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 21 दिसंबर को गंभीर हालत में दाखिल करवाया गया था। इस बारे में अस्पताल के CMO अजय अग्रवाल ने बताया कि महिला की हालत पहले से ही काफी गंभीर थी। उनके द्वारा पूरा प्रयास किया गया लेकिन वे महिला को नहीं बचा पाए। गौरतलब है कि महिला मौत से कुछ ही दिन पहले दक्षिण अफ्रीका से लौटी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा TV। इस मरीज के बारे में 20 तारीख की सुबह आया था कि 19 दिसंबर की रात को ये कोलंबिया एशिया में भर्ती हुई थी। मॉर्निंग में सस्पेक्टेड इन्हें था तो इन लोगों ने सैंपल भिजवाया था मैंने 20 की सुबह। जब शाम को रिपोर्ट आई थी, पेशेंट वेंटिलेटर पे थी, 19 की रात से जब रिपोर्ट आई थी तब वो पॉजिटिव आया।